नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल में। अब से बहुत दिनों बाद मैं ना ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी है ना जगह में मैं उलझा हुआ था, बिज़ी था। आपको बहुत ही जल्द इस चैनल में अपडेट आने वाला है कि है ना मैं कहाँ बिज़ी था। तो बने रहिए, इसी तरह आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं है ना वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो अभी मैंने कुछ है ना अपने मैसेजेस पढ़े थे, तो उसमें जो मेरे टेबल टेनिस से रिलेटेड जो मैसेजेस थे, उसमें पता चला लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा रैकेट लेना चाहिए, कैसे हम लोग डिसाइड कर ले। तो इसीलिए मैंने आज ये पूरी वीडियो उसी से रिलेटेड बनाई है कि हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपना कौन सा रैकेट लेना चाहिए, टेबल टेनिस का कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं सीजे टॉक। तो सबसे पहले अगर आपको टीटी खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, तो सबसे पहले आपको अपना नेचर ऑफ है ना गेम पता होना चाहिए। आप आखिर है क्या, क्या आपका लेवल है, यानी कि आप है ना बिगनर है, इंटरमीडिएट है, या आप एडवांस लेवल पहुंच चुके हैं। अगर आप एडवांस लेवल पहुंच चुके हैं तो आप है ना का जो गेम स्टाइल है वो क्या है, आप ऑफेंसिव खेलते हैं, डिफेंसिव खेलते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर डिसाइड कर ली है कि आप है ना क्या है, तो उसके बाद हम लोग है ना समझते हैं कि आखिर जो जो रैकेट होता है, जो पैडल होता है टेबल टेनिस का, वो होता कैसा है, वो किससे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या क्या उसमें होता है। तो आपको अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें आपको दिख रहा होगा ये नीचे हैंडल बना हुआ है, उसके ऊपर वहाँ पे है ना ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर आपको स्पॉन्ज है, और उसके ऊपर है रबड़। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो हम लोग फटाफट पहले शुरू करते हैं हैंडल से। हैंडल का क्या काम होता है, हैंडल जो कि होता है जनरली प्रिफर्ड, जो यूनिवर्सल प्रिफर होता है, ऊपर है ना थोड़ा स्लिम होता है और नीचे जाते जाते ये थोड़ा मोटा हो जाता है। कारण क्या होता है कि है ना जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं, हैंडल को पकड़ते हैं, अगर पेन ग्रिप हो या अपन है ना जो हैंडशेक ग्रिप हो वो अगर है ना अपन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे हाथों में पसीना आने लगता है। पसीना आने लगता है तो जिसके कारण क्या होगा कि हैंडल क्या होगा, हमारे से स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा तो इसीलिए नीचे से जो होता है हैंडल का, उसको है ना थोड़ा मोटा रखते हैं और ऊपर पे थोड़ा स्लिम रखते हैं, इसीलिए वो प्रिफर किया जाता है। तो ये हो गई बात हैंडल की। अगर आपको ग्रिप्स के बारे में जानना है, और अगर आपको नहीं पता है मैंने जो पेन होल्ड और हैंडशेक ग्रिप क्या होती है वो जानना है, तो उसका लिंक आपको मैं ऊपर कार्ड में दे देता हूँ, या आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात हो गई है हैंडल की, अब हम लोग बात करते हैं ब्लेड की। ब्लेड क्या होता है, ब्लेड जो होता है बना होता है 5 से 9 पाइल्स ऑफ वुड की। पाइल्स का मतलब ढेर होना, ढेर होता है, लेयर्स होती है बहुत सारी वुड की, उससे बना होता है, और उसमें कार्बन और टाइटेनियम कार्बन का भी यूज होता है। ठीक है, तो जो बॉल की जो हमारी स्पीड होती है वो हाईली डिपेंड करती है हमारी ब्लेड पे, कि कैसा ब्लेड है। अगर हमारा ब्लेड हैवी है, ज़्यादा भारी है, तो क्या होगा कि जो हम लोग स्ट्रोक खेलेंगे, जो हमारा स्ट्रोक होगा, जो एनर्जी होगा, इम्पैक्ट होगा, जब बॉल और है ना हमारा ब्लेड है ना एक दूसरे से टकराएगा, तो जो ब्लेड की एनर्जी है वो ज़्यादा है ना बॉल के ऊपर जाएगी, जिसके कारण जो हमारी बॉल होगी वो फास्ट होगी। ठीक है, स्लो का क्या होता है, अगर हमारा ब्लेड लाइटर है यानी हल्का है, तो क्या होगा, जो हमारा बॉल होगा वो कम एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी ब्लेड के द्वारा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, जो स्पीड होगी बॉल की वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो ये होता है ब्लेड का काम, कि कैसे डिसाइड होता है कि कैसे फास्ट होगा, कैसे है ना स्लो बॉल की है ना वो स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पॉन्ज और रबड़ की। स्पॉन्ज का काम होता है बिल्कुल एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह काम होता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और ये सब होता है, वो सारा काम होता है। रबड़ है ना काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है स्पिन के लिए। ठीक है, अगर स्पिन आपको है ना चाहिए, ठीक है, तो आपकी जो स्पिन की ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होनी चाहिए, सॉफ्टर होनी चाहिए, यानी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतना ज़्यादा जो हमारा जो रबड़ हमारा जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना उतना ज़्यादा आपको है ना स्पिन मिलेगी। ठीक है, तो आप जब भी है ना किसी है ना जा रहे होंगे, अगर आप है ना रैकेट खरीदने जा रहे होंगे या आप खुद से असेंबली करना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको हैंडल कैसा लेना है, उसको ब्लेड कैसी होनी चाहिए, ऊपर स्पॉन्ज कैसा होना चाहिए, स्पॉन्ज के ऊपर रबड़ अगर आपको फास्टर है, फास्टर चाहिए तो है ना उस हिसाब से लीजिए, अगर स्लो चाहिए, स्पिनर चाहिए, तो आप सॉफ्ट है ना जो हमारा रबड़ है उसको लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी जितने भी पार्ट्स आपको बताए हैं आपको है ना पता चल गया होगा, और अगर आपको पता चल गया है तो फाइनल मैं आपको एक टिप मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप
ऑफेंसिव प्लेयर है, यानी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर है, तो आपको है ना तेज खेलने की है ना ज़्यादा है ना होगी, आपको गेम ज़्यादा तेज़ी से खेलना होगा, तो उसके लिए आपको है ना क्या लेना होगा, आपको हैवी बिट लेना होगा, जो हमारा होगा हैवी है ना, जो रैकेट होगा वो हैवी होना चाहिए होगा, ठीक है। और वही अगर हमारा जो स्पिनिंग है हमारा, अगर आप डिफेंसिव खेलते हैं तो आपका जो रैकेट होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, और रबड़ क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशनल लगी होगी। अब मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको रैकेट कैसे चूज़ करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको और भी कोई डाउट है नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई भी अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस कंपनी का लीजिए, उस कंपनी का लीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, उनके वेट, डायमेंशन, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट करके पूछिए। मुझे लगता है आपको अच्छी ये वीडियो लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड अलविदा।